फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैक बीन्स। इसे हम इंडियन स्टाइल में बनाएंगे, तो चलिए हम बनाते हैं बैक बीन्स। बैक बीन्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल भर के फ्रेश वाले बीन्स लिए हैं, साथ में एक टमाटर की प्यूरी, दो मीडियम साइज के प्याज बारीक टुकड़ों में काट के लिया है, एक टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, एक टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून पीसी हुई अदरक और लहसुन की पेस्ट और साथ में दो टेबलस्पून तेल और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। ये सब्जी हम कुकर में बनाएंगे। कुकर को हमने गरम करके लिया है, उसमें हमने तेल डाला है, तेल भी हमारा गरम हो चुका है। उसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह सौते करेंगे। प्याज हमारा सौते हो गया है, उसमें हम टमाटो प्यूरी डालेंगे, इसे भी 2 मिनट तक अच्छी तरह सौते करेंगे। प्याज और टमाटर हमारा सौते हो गया है, उसमें हम सारे मसाले डालेंगे। पहले हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और साथ में अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह सौते करेंगे। प्याज और टमाटर को बाइंडिंग करने के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून बेसन डालेंगे, इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और इसे भी अच्छी तरह सौते करेंगे और साथ में 1/2 ग्लास पानी डालेंगे, इसे 2 मिनट तक उबाल आने देंगे। ग्रेवी हमारी अच्छी तरह उबल चुकी है, उसमें हम बीन्स डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी बजने देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम खोल के देखेंगे। बैक बीन्स हमारे बनके तैयार है, इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ये बैक बीन्स को हम 2 तरह से सर्व करेंगे। बैक बीन्स हमारा खाने के लिए तैयार है, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और इसे हम पराठा और रोटी के साथ खा सकते हैं। राजमा में हम ब्रेड क्यूब्स डालेंगे। हमने यहाँ पे एक ब्रेड की स्लाइस ली है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और इसे डीप फ्राई करके लेंगे। सारे ब्रेड के क्यूब्स हमने इस तरह कट करके लिए है। ब्रेड क्यूब्स फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम करके लिया है, उसमें हम थोड़े ब्रेड क्यूब्स डालेंगे, इसे 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पे फ्राई करके लेंगे। ब्रेड क्यूब्स हमारे फ्राई करके तैयार है, इसे हम बैक बीन्स के साथ सर्व करेंगे। अब हम बैक बीन्स में ब्रेड क्यूब्स डाल के इस तरह सर्व करेंगे। एक प्लेट में हम सारे ब्रेड के क्यूब्स डालेंगे, ऊपर से हम बैक बीन्स डालेंगे और साथ में ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। बैक बीन्स को इस तरह भी हम सर्व कर सकते हैं। ये बैक बीन्स भी हमारा खाने के लिए तैयार है, इसे हम खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।